हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप फार्मासिस्ट हैं और आपको आपका फार्मेसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया है और अब आप जो है मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, या फिर आप फार्मासिस्ट नहीं हैं तब भी आप अपना अगर मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा कि आप जो है 2023 में अपना मेडिकल स्टोर के लिए कैसे जो है अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कितनी फ़ीस लगेगी, कितना टाइम लगेगा, कहाँ कहाँ जाना होगा, कैसे फाइल पास होगी, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। इसलिए आप दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आपको फार्मेसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, PCI दे देती है, उसके बाद आपको एक यूनिक आईडी बनवाना पड़ती है। दोस्तों, जब यूनिक आईडी आपकी बन जाएगी, उसके बाद ही आप जो है ड्रग लाइसेंस के लिए, मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे ही आपकी यूनिक आईडी बन जाएगी, वो अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है ड्रग लाइसेंस के लिए, मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के लिए। तो इसके लिए आपको जो है क्या करना होगा कि आपको गूगल क्रोम खोल लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है FDA UP। जब आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर की जो वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये वेबसाइट लोड होगी, तो थोड़ा वेट करेंगे तो इस तरह से ये वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से ड्रग लाइसेंस अप्लाई होता है। यहीं से आपकी यूनिक आईडी बनेगी और आप देख सकते हैं नीचे लास्ट में कॉर्नर में लिख के आ रहा है लाइसेंस, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगली विंडो खुलेगी। इसमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, ड्रग लाइसेंस को अप्लाई करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारे निर्देश आपको पढ़ने हैं और फिर नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे क्लिक करेंगे तो ये अगली विंडो खुलेगी, थोड़ा टाइम लेती है ये, वेट करेंगे तो इस तरह की नेक्स्ट विंडो खुलेगी। इसमें आपको जो है नीचे आना है और यहाँ पर आप दूसरे नंबर पर देख सकते हैं, ऐसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज ये इस तरह से खुल जाएगा। और यहाँ पर भी आपको दोस्तों कुछ निर्देश हैं जो आप देख सकते हैं किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, और नीचे यहाँ कॉर्नर में लिखा हुआ आ रहा अप्लाई फॉर लाइसेंस। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर तो अगली विंडो खुल जाएगी। दोस्तों, अप्लाई करने से पहले हम एक बार जो है डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें ड्रग लाइसेंस अप्लाई करने से पहले, मेडिकल का लाइसेंस अप्लाई करने से पहले रेडी रखने हैं। तो दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है रिटेल का। तो इसमें सबसे पहले जो आपका डॉक्यूमेंट्स आता है वो आती है हाई स्कूल की मार्कशीट, फिर दूसरे नंबर पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स आता है वो इंटरमीडिएट की मार्कशीट, फिर तीसरे नंबर पर आपको जो है फार्मेसी की मार्कशीट, अगर आपने डी फार्मा किया है या फिर बी फार्मा किया है तो उनमें से किसी की आपको एक फ़ाइनल मार्कशीट रखनी है जिसमें फ़ाइनल के मार्क्स हों। उसके बाद आपको फार्मेसी की डिग्री रखनी है, जो मेन डिग्री होती है फार्मेसी की, इसको भी आपको रखना है। और उसके बाद आपको जो है फार्मेसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि PCI द्वारा मिलता है रखना है। उसके बाद आपको जो है रिन्यूअल बुक, अपनी ग्रीन बुक जो मिलती है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ, वो आपको रखनी है। और उसके बाद आपको आधार कार्ड, और उसके बाद आपको जो है रेंट एग्रीमेंट बनवाना है। अगर आपकी दुकान किराए की है तो उसका रेंट एग्रीमेंट आपको लगाना है, और अगर आपकी खुद की अपनी दुकान है तो आपको उसकी ओनरशिप लगानी है। फिर उसके बाद आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल और एक रेफ्रिजरेटर जो है बिल रखना है, मतलब लाइट का बिल और फ्रिज का बिल भी लगाना है। और फिर लास्ट में दोस्तों आपको शॉप का जो है मैप बनाना है, नक्शा बनवाना है, दुकान आपकी कहाँ पर है, किस एरिया में है। और लास्ट में दोस्तों आपको एक एफिडेविट भी साथ में लगाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं आप। फिर दोस्तों आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग कैंडिडेट को जो है अपनी दुकान के एरिया को लेकर कन्फ्यूज़न होती है। तो जो आपके मेडिकल का एरिया होना चाहिए आपके, वो 100 स्क्वायर फिट होना चाहिए, 100 स्क्वायर फिट से नीचे नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और आपको जो है एक खाली दुकान का फ़ोटो भी खींच के रखना है, वो भी आप इन डॉक्यूमेंट्स में रखेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जितने मैंने आपको बताए हैं आप ये सब रेडी करेंगे, फिर उसके बाद जो है दोस्तों आपको ऑनलाइन प्रक्रिया करनी है। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए, हम फिर उसी पेज पर आएँ तो हम यहाँ पर दोस्तों लॉगिन पर आप देख सकते हैं फर्म लिखा हुआ है फर्म। तो दोस्तों आपको जो है अपनी यूनिक आईडी के साथ जो है फर्म का रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। मतलब फर्म का मतलब ये होता है कि आपका मेडिकल स्टोर का नाम, उसमें मेडिकल की पूरी डिटेल कहाँ पर है, मेडिकल स्टोर का क्या नाम है, एरिया कौन सा है, सारी जानकारी आपकी जो है आपके फर्म में होगी। यूनिक आईडी में तो आपके डॉक्यूमेंट्स की और फार्मेसी की जानकारी होती है, लेकिन जब आप फर्म बनाएंगे तो आपके आपको जो है फर्म के अंदर सारी डिटेल भरनी होगी। फिर दोस्तों हमने फर्म को जो है लॉगिन कर लिया है। फर्म को जैसे हम लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से सिलेक्ट फर्म टाइप का ऑप्शन आएगा, तो इसमें हमें यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर ड्रग सेल, क्योंकि हमें जो है ड्रग सेल करनी है,
दवाई बेचनी है तो ड्रग सेल पर हमें जो है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन आ जाएगा जिसमें अपनी फर्म पे आपको जो है अपने आप को अपॉइंट करना है, मतलब जो है उस फर्म पे फार्मासिस्ट को लगाना है। तो अगर आप किसी और फार्मासिस्ट को लगाना चाहते हैं तो उसकी यूनिक आईडी यहाँ डालेंगे और आप अपनी अपने फर्म पे अपने आप का ही यूनिक आईडी लगाना चाहते हैं, अपना ही मेडिकल खोलना चाहते हैं तो आप ही फार्मासिस्ट हैं तो आप अपनी यहाँ पर यूनिक आईडी डालेंगे और यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट करेंगे तो एक ओटीपी पहुँचेगा आपके पास, वो ओटीपी आपको इसमें सबमिट करना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट करेंगे आप जो है अपॉइंट हो जाएंगे और आपका जो है ड्रग लाइसेंस अप्लाई हो जाएगा। फिर ओटीपी डाल के आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे दोस्तों तो ये आपको ले जाएगा नवेश मित्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों नवेश मित्रा की ऑफिशियल वेबसाइट वो होती है जिससे जो है हमारी मेडिकल के ड्रग लाइसेंस की फ़ीस कटती है जो कि 3,000 रुपये रखी गई है। जब आप यहाँ से फ़ीस अपनी सबमिट कर देंगे तो ये फिर से दोबारा से आपको रिडायरेक्ट कर देगा UPFDA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जहाँ से ड्रग लाइसेंस अप्लाई करते हैं। तो ये दोबारा वहाँ से ले जाएगा और वहाँ पर आपको जो है फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपकी जो ये रिक्वेस्ट है वो ड्रग इंस्पेक्टर DI सर के पास पहुँच जाएगी। यहाँ से आपका जो है सारा जो है डिपार्टमेंटल वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो इस फोटो में देखकर आप समझिए किस तरीके से आपका जो है काम होगा। जैसे आप फाइनल सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन को, पूरा फॉर्म ऑनलाइन फुल कर देंगे, फीस जमा कर देंगे और फाइनल आप सबमिट करेंगे तो ये एप्लीकेशन सबमिट होगी सबसे पहले, फिर उसके बाद जो है ये फॉरवर्ड हो जाएगी ड्रग इंस्पेक्टर ऑफिस DI ऑफिस जो कि अपने डिस्ट्रिक्ट के एक DI ऑफिसर होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के, तो उनके ऑफिस में ये पहुँच जाएगी। फिर ये DI सर जो है इस एप्लीकेशन को चेक करेंगे, इनके डिवाइस में पहुँच जाएगी, देखेंगे कौन बच्चा है, किसने अप्लाई किया है, क्या है, सब जब देख लेंगे पूरा रिव्यू कर लेंगे उसके बाद ये फिर जो है मेडिकल स्टोर पर आएंगे रिव्यू करने। मेडिकल स्टोर को देखेंगे क्या है, कितनी दवाई है, सारे सामान है नहीं है, फ्रिज वगैरह है, बिल वगैरह है, सब कुछ चेक करेंगे वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेंगे, पूरे जो है मेडिकल का एक इंस्पेक्शन करेंगे। जब इंस्पेक्शन हो जाएगा उसके बाद अगर उन्हें सब कुछ करेक्ट लगेगा तो उसके बाद वो है इस चीज़ को क्या कहते हैं फॉरवर्ड कर देंगे इस एप्लीकेशन को DLA ऑफिस में। तो दोस्तों DI सर से जो एक ऊपर का लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं DLA ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी जो कि ड्रग को देते हैं, मतलब ड्रग लाइसेंस को देते हैं, उनके पास ये फॉरवर्ड हो जाएगी। जब DLA सर इसको देख लेंगे सब कुछ उनको ठीक लगेगा, रिव्यू करेंगे वो एप्लीकेशन का, उनको सब कुछ ठीक लगेगा तो वो फिर लाइसेंस नंबर जनरेट कर देंगे, मतलब जो है लाइसेंस जनरेट कर देंगे। और लाइसेंस जनरेट करने के बाद साइन कॉपी अपलोड, मतलब जो है उसकी साइन अपनी तरफ से कॉपी अपलोड कर देंगे उसी वेबसाइट पर। जब साइन कॉपी अपलोड हो जाएंगे इतना काम हो जाएगा, उसके करीब एक से डेढ़ महीने बाद जो कि यूज़र हैं जिसने अप्लाई किया है वो जो है लाइसेंस अपना प्रिंट कर सकते हैं उसी वेबसाइट से FDA की जहाँ से वो अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ड्रग लाइसेंस के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह का आपको जो है ड्रग लाइसेंस मिलेंगे जिसमें फॉर्म 20 होगा और एक फॉर्म 21 होगा, तो इन दोनों को आपको जो है इसी वेबसाइट से प्रिंट कर लेना है और अपने मेडिकल पर लगाना है और लगाकर बैठ जाना है। तो इस तरह से दोस्तों मेडिकल के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है जैसे हमने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों हमने किसी का ऑनलाइन नहीं किया, बस आपको जो है एक एक्सपीरियंस दिया है, आपको समझाया है बहुत सरल भाषा में और बहुत कम टाइम में हमने आपको बताया है, क्योंकि हम खुद रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो हमने अपना मेडिकल स्टोर खोला था तो हमने खुद ये प्रक्रिया कराई है। तो इस तरह से हम जो है अप्लाई करेंगे। और दोस्तों एक बात में हम आपसे और कहना चाहते हैं कि आप जो है ख़ुद से अप्लाई ना कीजिए, क्योंकि आप खुद से अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स होते हैं इसमें। आप जो है साइबर कैफ़े से अप्लाई कराएं और इसकी साइबर कैफ़े वाले जो है करीब 1,000 से 1,500 रुपये फ़ीस लेते हैं और ये आपका अप्लाई कर देंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको हमारी दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर दोस्तों पहली बार आप आए हों तो हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू के बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको जो है नई से नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।